दिव्यता की प्रतिमूर्ति राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अचल दीदी जी, ईश्वरीय रूहानी प्रेम भरी अद्भुत जीवन गाथा। ओम शांति। ज्ञान, प्रेम, शांति, सद्भावना व दिव्यता की प्रतिमूर्ति ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी अचल दीदी जी, एक ऐसा नाम जो दिलों में प्रभु का प्यार, अपनापन और बेहद अलौकिक भावनाएं जगा देता है। १९३४ में पंजाब के अमृतसर में जन्म लेने वाली दिव्य देवी ब्रह्मा कुमारी अचल दीदी जी के पिता श्री चरणदास बनोत तथा माता श्रीमती लाजवंती थे। पांच भाई बहनों में आप तीसरे स्थान पर थीं। आपका बचपन मीरा की तरह श्री कृष्ण जी के प्रेम में बीता। अपनी युवा अवस्था तक आते आते श्री कृष्ण की प्यारी मीरा स्वरूपा अचल पूरी तरह से भक्ति व श्रद्धा से ओतप्रोत हो गई। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात विद्यालय के शिक्षिका के रूप में अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाया, लेकिन एक रात उन्होंने स्वप्न में प्रजापिता ब्रह्मा के उज्जवल स्वरूप को देखा और बाबा ने दीदी से कहा कि तुम तो मेरी बच्ची हो, जबकि इस जन्म में दीदी ने कभी भी ब्रह्मा बाबा से मुलाकात नहीं की थी। 1954 में आपके माताजी के माध्यम से आपका संपर्क प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हुआ। प्रभु मिलन की अताह चाह आपको उस मुकाम तक ले आई थी जहां से आपके सबसे ऊंचे आध्यात्मिक मानवीय जीवन का प्रारंभ होना था। अमृतसर में जब आप राजयोगिनी ध्यानी दादी जी से मिली और उन्होंने आपको योग में बिठाया, तो आपने अपनी ध्यान मुद्रा में परमपिता शिव परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया और अगले कुछ दिनों में परमपिता परमात्मा ने आपको ध्यान की अवस्था में परमात्मा, आत्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर आपके जीवन को ज्ञानमय, प्रकाशमय कर दिया। बाबा को भी बिंदु रूप में पहले दर्शन उनके हुए, उनको देखा, फिर बाबा का वो साकार रूप देखा तो बहुत प्यारा, बहुत स्नेही और बहुत आकर्षणीय मूर्त दिखाई दी मेरे को। तो मैं जाते ही क्या देखा कि बहुत बड़ा एक ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर सुनहरी अक्षरों से शब्द लिखे हुए हैं ज्ञान के। मेरे को 5 दिन ये ऊपर में ही कोर्स कराया बाबा ने। दादी चंद्रमणि जी के पावन संग, उनकी विशेषताओं ने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया। आपने अमृतसर और बटाला आदि सेवा स्थानों पर अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाया। कुछ समय पश्चात जब आपकी मुलाकात प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से हुई तो जगत कल्याण के विशाल आकाश से आपका नाता जुड़ गया। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा आपको अनेक स्थानों पर जाकर ईश्वरीय सेवा करने की प्रेरणा देते। जिस छोटे से गांव श्री हरगोविंदपुर में आप शिक्षिका के रूप में सेवारत थीं, वहां स्वयं ब्रह्मा बाबा ने पधारकर ज्ञान वीणा से, स्नेह से सभी को भाव विभोर कर दिया। ब्रह्मा बाबा की पालना और प्रेरणाओं से आपके जीवन की महान यात्रा को पंख लग गए। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने आपको जुलाई 1968 में चंडीगढ़ में भेजकर ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बनाया। आदरणीय बहन जी के साथ मिलकर के हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाना, हर एरिया में जगह जगह पर जाना और साकार बाबा ने साथ साथ
ब्रिजमोहन भाई और मोहिनी बहन जी जो नंगल में रहते थे उनको भी बाबा ने लिखा और कहा कि आप चंडीगढ़ में सहयोग दो, तो भी ऑलमोस्ट हर वीकेंड पर हमारे पास आ जाते थे और इस तरह से हमने मिलकर के यहाँ की सेवाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। 46 ईयर्स हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि कैसे एक छोटे से स्थान से और छोटी थोड़ी सी सेवाओं से आज चंडीगढ़ में इटसेल्फ मेरा ख्याल 15-16 ब्रांचेस काम, लोकल ब्रांचेस काम कर रही हैं और यहाँ लोकल अबाउट 60 डेडिकेटेड सिस्टर्स काम कर रही हैं और सारे हमारे पंजाब जोन में 300 ब्रांचेस हैं और सारे पंजाब जोन में नियरली मोर देन 1000 डेडिकेटेड सिस्टर्स और भाई बहने सेवा दे रहे हैं, ये उनकी योग तपस्या का कारण ही है। चंडीगढ़ में आपके आगमन से सेवाओं की बहार आ गई, अनेकों के जीवन में आध्यात्मिक पुष्प खिलने लगे। आप सबको सुंदर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती आपकी मीठी वाणी, ममतामयी व्यवहार, मिलने वालों का दामन खुशियों से भर देता था। ये ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा, ये कितना है सुंदर, ये कितना है प्यारा, ये सबसे है न्यारा, सभी का सहारा, दिलो जान की राहत ये आंखों। आप जहां होती वो सभा, वो स्थान आपकी पवित्र आभा से प्रकाशमान हो जाता। आपके सानिध्य में सबको योग की बड़ी ऊंची व दिव्य अनुभूतियां होती। ऐसा अनुभव होता जैसे स्वयं भगवान आपके साथ चल रहा है। इतनी पालना हमें मिली, हर जगह पर मिली, देश में विदेश में जहां भी जाते हैं सबके साथ इनका प्यार है। जब भी आश्रम आता था उनके सामने बच्चे की तरह हो जाता था और अपना सब घर बार भूल जाता था। यानी कैसी शुद्ध आत्मा थी जो हमें बहुत प्यार करती थी, तो अगर हम दो दिन ना आए तो पता नहीं कैसी वाइब्रेशंस आती थी, हम उनके पास खींचे चले आते थे, तो वो हमारी माँ की तरह थी। ऐसी दिव्य आत्मा जो ज्ञान की, शक्ति की और इतने सारे गुणों की जीती जागती हमारे सामने मिसाल रही। एक मैग्नेटिक टच था उनका, उनके समीप बैठते ही आप चार्ज होते थे, एक पाक ऑरा आपके चारों तरफ घूमता था। आपके नेतृत्व में और ब्रह्मावत्सों के सहयोग से राजयोग भवन का निर्माण कार्य 1984 में संपन्न हुआ और चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार होने लगा। समय के चलते चलते आपकी प्रेरणा से त्रिमूर्ति भवन का भी निर्माण हुआ। 1997 में दादी चंद्रमणि जी के अव्यक्त होने के पश्चात आपको पंजाब जोन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड राज्य की सेवाओं की जिम्मेवारी सौंपते हुए मुख्य प्रशासिका पंजाब जोन नियुक्त किया गया। सबको आप में बड़ी बहन और मां का रूप नजर आता और हर मस्तक आपके स्नेह के आगे सम्मान से झुक जाता। अनेकों की अद्भुत भावना उन्हें दीदी जी से माँ अम्बा व दुर्गा की भासना देती। दीदी का इतना सुंदर रूप, दुर्गा का भी रूप दिखा, स्नेहमयी, करुणामयी और इतनी पालना किया, जिगरी पालना किया कि हम दिल की गहराई से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उससे हमें चलते फिरते ऐसे लगता था कि जैसे कोई कॉटन का फरिश्ता चल रहा, एक लाइट का फरिश्ता चल रहा। उनकी मुस्कुराहट ही इतनी सुंदर थी, माना कि उसको देखते ही कि हम सारे गम, दिल के सारे गम भूल जाते थे। उनका जो जीवन था वो ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग देने के योग्य था, तो हम सभी ने
उनके प्रैक्टिकल जीवन से सीखा है। सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी कि वो किसी से भी सहयोग की डायरेक्ट डिमांड नहीं करते। उनकी मनोस्थिति भाई बहनों की ऐसी बना देते, वो अपने आप स्वतः ही सहयोगी बनते थे। दीदी जी का स्नेह इतना ज्यादा था हर बहन से, उसकी कोई भी बात को मन में नहीं रखते। मैंने हमेशा यही देखा कि उन्होंने मुझे हौसला दिया, मुझे ऐसा ज्ञान दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। आपकी छत्र छाया में हजारों आध्यात्मिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रवचनों का आयोजन हुआ और लाखों ने उससे अपने जीवन में लाभ पाया। हर कोई आपके स्नेह का हकदार था। हृदय में संपूर्ण संतोष व गंगा की तरह निर्मल जीवन से सभी को प्रभु प्रेम का पोषण आपके जीवन को आध्यात्मिक बुलंदियों तक ले गया। उनमें देवत्व और फरिश्तेपन की झलक इतनी अधिक थी कि उनको देखते ही एक ठंडक पड़ती थी। दीदी जी ने मुझे हर काम सिखाया। वो वरदानी मूर्त थी। वो जो भी कहते थे ऐसा लगता था कि बाबा उनके मुख से वरदान दे रहे। अचल दीदी के बताए हुए जो भाव है उनको मन में रख के चलने, जिंदगी जीने का जो भरोसा दे गए हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा जो जीवन है ऐसे महापुरुषों के बिना बहुत अधूरा है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी, वर्तमान प्रशासिका दादी जानकी जी, महासचिव भ्राता निर्वैर जी और सारा ईश्वरीय कुल सच्चे हृदय से आपको स्नेह पूर्वक सम्मान करता है। ईश्वर को सदा अपने मन में बसाकर रखने वाली राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अचल दीदी जी, लाखों हृदय में आपने रूहानी आकर्षण, संपूर्ण व्यक्तित्व व मधुर व्यवहार की अमिट छाप छोड़कर 7 अक्टूबर 2014 को भौतिक देह का त्याग कर अपनी अग्रिम यात्रा की ओर बढ़ गईं। याद सदा आएगी आपकी ममता और उपकार, देवी मासा रूप करुणा और दुलार, फरिश्तों सा जीवन सबकी हितैषी मददगार, जीवन जीवंत आपका सच्ची गीता का सार, अर्पित आपको हृदय से श्रद्धा सुमन अपार, श्रद्धा सुमन अपार। बगिया का हर फूल कहे दीदी तेरी कहानी, बगिया का हर फूल कहे दीदी तेरी कहानी, तेरे साथ की हर सुबह शाम बड़ी सुहानी, तेरे साथ की हर सुबह शाम बड़ी सुहानी, बगिया का हर फूल कहे दीदी तेरी कहानी, बगिया का हर फूल कहे दीदी तेरी कहानी।